हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेटेस्ट वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में, जैसा कि थंबनेल ने आपको बता ही दिया होगा, हम लोग काइनेमैटिक्स की पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि जेई में पूछी गई है, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने लाया नहीं है, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि वो 10-12 क्वेश्चन अलग अलग वेराइटीज के होंगे, अपने अपने साल के बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि पूछे गए थे जेई के द्वारा, और उससे आपको काइनेमैटिक्स की हिडन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि सेशन को मैं 2 घंटे का 3 घंटे का करके आपको पका दूं और आपके सामने क्वेश्चन बनाकर चला जाऊं और आपको लगे कि आपको सब कुछ समझ आ गया, बट जब आप बनाने जाओ तो आपको कुछ भी याद ना रहे, कोई भी कंसेप्ट समझ ना आए। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना सिखा दूं। मेरा मकसद ये है कि जो क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है, जो कि बच्चों को लेना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके पीछे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप कर दूं मैं आपके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा अभी तक तो, क्योंकि हम लोग इस पर रिपीटेडली पढ़ाई की वीडियोस, जेई रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। मेरा शॉर्ट्स आता रहता है, शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जेई के एग्जाम को क्रैक करने की, और साथ साथ जो मेरी ये लॉन्ग वीडियोस होती हैं उसमें मैं पढ़ाता हूँ। मैं पूरी फिजिक्स की सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ क्लास 11th 12th की, हर टॉपिक की वीडियोज आएंगी, हर कंसेप्ट की वीडियोज आएंगी विथ फुल डिटेल। ठीक है, सो टुडे व्हाट वी गोना डू, वी गोना डू काइनेमैटिक्स का पीवाईक्यू। काइनेमैटिक्स का PYQ क्या होता है सर? PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका कर रहे हैं हम लोग? जेई मेंस का और जेई एडवांस का। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अप्रैल 2019 सेकेंड सेशन ऑफ जेई मेंस। ठीक है, 2019 में जो जेई मेंस हुआ था उसकी सेकेंड सेशन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेमैटिक्स। A particle is moving with the speed v is equal to b root x. ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि v is equal to b root x स्पीड से पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है बच्चे? पॉजिटिव x एक्सिस में। यूजुअली हम लोग का जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है कि हम लोग इधर साइड पॉजिटिव मानते हैं, इधर साइड नेगेटिव मानते हैं, इधर नेगेटिव मानते हैं और इधर पॉजिटिव मानते हैं, करेक्ट? तो ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कहीं इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, कोई एक टाइम ले लिया टी इज इक्वल टू टाउ, इस टाउ टाइम पे हम लोग को इस पार्टिकल का स्पीड बताना है। ठीक है, अज्यूम करना है कि पार्टिकल पहले कहां पर था? ओरिजिन पे था एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर इसका हम इक्वेशन देखें v इज इक्वल टू b रूट एक्स, ठीक है, तो v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चे? v को वी कैन राइट डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? b रूट एक्स हो गया। ठीक है, x वाले फैक्टर को एक साथ ले आते हैं, तो डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू b डी टी, ऐसा हो गया डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दिए। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इट इज गिवन दैट पार्टिकल इट इज एट ओरिजिन, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी या टी इज इक्वल टू टाउ, मान लेते हैं पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। ये क्या हो गया? 2√x 0 से x, और ये हो गया बी टी 0 से tau। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2√x इज इक्वल टू बी tau। यहां तक तो आई होप आप लोग सबको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगर हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर tau स्क्वायर, है ना? ये क्या हो गया? 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4। ये आ गया अपने को एक्स का वैल्यू, बट अपने को पूछा क्या गया है? पूछा गया है, ये तो हमें मिला डिस्टेंस का वैल्यू,
कि एक्स की कोऑर्डिनेट क्या होगी टी इज इक्वल टू टॉ टाइम पर, यानी पार्टिकल किस कोऑर्डिनेट पे होगा एक्स के टी इज इक्वल टू टॉ टाइम पर, वो हमें निकला यहाँ पर ये। बट अब हमें पूछा ये गया है बच्चे कि वेलोसिटी क्या होगी टी इज इक्वल टू टॉ टाइम पर, तो एक बार और केस को टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, बी स्क्वायर बाई फोर, अपना सीधा डिफरेंशियल साइन से बाहर आ गया कि भाई हम तो कांस्टेंट है, हमें तो नहीं पता भैया, ये बन गया टू टॉ टी, टॉ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया टू टॉ, ठीक है, ये दो बार में कट गया, ठीक है। तो अब वी क्या आ गया, वी आ गया वी स्क्वायर टॉ बाई, क्या आ गया बी स्क्वायर टॉ बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी स्क्वायर टॉ बाई टू। देख लो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ आई होंगी तो। सबसे पहले v इज इक्वल टू बी रूट एक्स हमने लिखा, ठीक है, जो इक्वेशन हमें गिवन था, उसके बाद हमने उसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया dx by dt इज इक्वल टू बी रूट एक्स हुआ। अब dx रूट एक्स और x को एक साथ ले आए और b dt को एक साथ कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब हमें जो ये वाला इक्वेशन मिला इससे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर टॉ स्क्वायर बाई फोर बन गया, ठीक है। अब हमें इससे वेलोसिटी निकालना था, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टॉ क्या है टाइम का ही पैरामीटर है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी टॉ स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू टॉ आएगा, तो ये टू टॉ आ गया और बी स्क्वायर बाई फोर तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर चला गया बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो बी स्क्वायर बाई फोर इंटू टू टॉ, ये टू से ये चार दो बार में कट गया, तो बी स्क्वायर टॉ बाई टू, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस द सॉल्यूशन, ओके, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, ठीक है, ये नीचे में जितने भी ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है, बोला जा रहा है कि ये सब ग्राफ किसी एक मोशन को दर्शाने चाहिए, यानी किसी पार्टिकल के किसी एक मोशन को दर्शाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ किसी एक पार्टिकल का है, ये वाला किसी दूसरे का हो गया, ये वाला किसी तीसरे का हो गया, नहीं, जितने भी हैं ये सब एक ही पार्टिकल के मोशन को दर्शाने चाहिए, तो हमें ढूंढना क्या है इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि उस पार्टिकल के मोशन को सिग्निफाई या विजुअलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, वो ग्राफ हमें ढूंढना है, यानी इनकरेक्ट ग्राफ हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ग्राफ पकड़ते हैं डी वाला, ठीक है, तो डी वाला अगर कर्व हम देखें ये है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज नेगेटिव, इस कर्व का अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप इज व्हाट नेगेटिव, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है जो कि दिख रहा है हमें, बट अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, पहला वाला कर्व तो ये वाला ग्राफ तो यही दर्शा रहा है डी वाला कर्व कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अब दूसरा वाला कर्व देखते हैं, ठीक है, दूसरा कर्व कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ए वाला ले लेते हैं, ये देखो ये वेलोसिटी ये पोजीशन, ठीक है। अब देखो इस कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो सेम डिस्टेंस पर पार्टिकल की दो वेलोसिटीज है, एक बी मान लेते हैं और एक नीचे में है, तो ये क्या होगी माइनस बी होगी, ठीक है, और यहां पर अगर हम देख पाए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है, वो अगेन क्या होगी ग्रेटर देन जीरो होगी, और यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है जीरो है, यानी ऐसा एक डिस्टेंस जहां पर पार्टिकल आकर रुक जाएगा, ठीक है, और मान लेते हैं बीच में कोई एक डिस्टेंस होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डिस्टेंस पर तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, बट एक ऐसा डिस्टेंस आ रहा है जहां पर पार्टिकल जाकर
रुक जा रहा है, ये सेकंड वाला ग्राफ दर्शा रहा है हमें। अब अगर हम थर्ड वाले ग्राफ को स्टडी करें, थर्ड ये वाला ग्राफ ले लेते हैं अपना बी वाला, ठीक है। देख अब अगर इस बी वाले कर्व को देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, u इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्लोप भी इसका क्या है, जीरो है शुरू में, ठीक है। उसके बाद यहां तक अगर हम कर्व को सेपरेट करते हैं तो यहां तक एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉनकेव अपवर्ड्स। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो आप देख ही रहे हो, वो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ टाइम जो है वो पैरेलल हो गया, तो यानी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ठीक है। ये तीसरा वाला कर्व दर्शा रहा है। अभी तक इन तीनों कर्व में आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी वाले कर्व, ठीक है। देयर वाज अ रीजन कि मैंने इस ऑर्डर में कर्व को बताया, ये है अपना वाला कर्व, एक्स टी कर्व। इसमें अगर देखें तो पहले अगर ये देखें स्लोप, ठीक है, तो यहां पर तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है, मैक्सिमा है, तो यहां पर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर विल बी लेस देन जीरो, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जीरो। यहां पर देखो इस वाले केस में बता रहा हूँ, जहां पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है, वहां पर ए विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। टी टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है कर्व की वो जीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। अब देखो अगर हम कर्व ये वाला देखें, ये वाला कर्व, कर्व नंबर वन ले लेते हैं, इसको कर्व नंबर टू ले लेते हैं, और इसको कर्व नंबर थ्री ले लेते हैं, और इसको कर्व नंबर फोर ले लेते हैं, तो वन टू और फोर में सब कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। पहली कॉमनैलिटी, तीनों में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वेलोसिटी जीरो, यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आया जहां वेलोसिटी जीरो, यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वेलोसिटी जीरो है। तीनों में एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीनों कर्व तो एक साथ है, एक ही मोशन को दर्शा रहा है, बट यहाँ पर थोड़ी चीजें गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इन दी एंड जाकर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब ये बैठ नहीं रहा कर्व, तो दिस कर्व इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इनकरेक्ट वाला कर्व कौन सा है दोस्त, बी इज योर करेक्ट आंसर। ये 2018 में जेईई मेंस में पूछा गया था। हमने क्या किया, अलग अलग कर्व को बैठाया, अलग अलग कर्व को स्टडी किया बिल्कुल सेपरेटली, बिना किसी दूसरे कर्व से उसको रिलेट किए हुए, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। देखा ये कर्व क्या मोशन बता सकता है, बी कर्व क्या मोशन बता सकता है, सी कर्व क्या मोशन बता सकता है, और डी कर्व क्या मोशन बता सकता है। चारों कर्व के मोशन देख लिए, क्या क्या बता सकते हैं, तो खुद दिख गया, खुद वो नजर आ गया हमें कि तीन कर्व ऐसे हैं जो एक ही मोशन, एक ही तरह के मोशन को दर्शा रहे हैं, जहां पर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, पूरे टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसमें से बस एक कर्व थोड़ा अपवाद है, चौथा कर्व, जहां पर शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बाद में जाकर नेगेटिव है, तो वही अपना ऑड वन आउट हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन अ फिगर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम कर्व शो किया गया है, पॉइंट एस है 4.333 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स विल बी वॉट, यानी ये जो है ये है 4.333 सेकेंड्स। तो बच्चे 4.333 सेकेंड्स को कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन बी राइट दिस, यू कैन राइट इट एज 4 + 1/3 सेकेंड्स, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 13/3 सेकेंड्स, ठीक है। तो पॉइंट एस अपने को पता चल गया क्या है, 13/3 सेकेंड्स, पॉइंट एस क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है। अब देखो
पॉइंट एस से पॉइंट सी का डिस्टेंस पॉइंट एस पॉइंट सी, ठीक है, ये 5 है। ठीक है, तो पॉइंट एस और ये पॉइंट सी, ठीक है, ये ऑलरेडी 13/3 है, ये पूरा क्या है, 13/3 है, ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, 2/3 सेकेंड। तो पॉइंट एस से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या हो गया, 2/3 सेकेंड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला कर्व, ये वाला एरिया कर्व एरिया 1 है, और ये वाला एरिया एरिया नंबर 2 है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा ना, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया अंडर बी टी कर्व, ठीक है। तो अब बी टी कर्व तो दो अलग अलग कर्व में सेपरेटेड है, ठीक है, तो एरिया अंडर बी टी कर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, एरिया नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया नंबर 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी, क्या है इसका डिस्टेंस, 2 से 3 सेकेंड यानी 1, प्लस दूसरा क्या है, 13/3, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है भैया, ए बी और ओ एस, यही तो है ना, हमें पता है ए बी का मैग्नीट्यूड इज 1 एंड ओ एस इज 13/3 जो हमने निकाला है, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है, ये 4, ये हो गया 4, प्लस हाफ इनटू बेस, बेस कितना है, 2/3 प्लस 5 से 6 1 सेकेंड, तो 2/3 + 1 इनटू हाइट कितना है, हाइट है 0 से -2 -2, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो इनटू 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, दैट विल बी योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2020 जेईई मेंस में। बस थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था, शुरू में क्या दिमाग लगाना था हमें, कि हमें इस 4.333 सेकेंड्स को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारे लिए ये एस सी डिस्टेंस निकालना आसान हो जाए और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते ना, तब भी आपके लिए कैलकुलेशन सेम ही रहती, बट मुझे पता था आगे चल के ये आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप शॉर्ट साइटेड हो तो आप नहीं करोगे, डेसिमल में ही छोड़ दोगे, तो हो सकता है कॉम्प्लिकेट कर लो आगे जाके कैलकुलेशन को। अगर आप लॉन्ग साइटेड हो, और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस चीज को फॉलो कर लोगे, ठीक है। ये सब चीजें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आएंगी दोस्त, ठीक है, कहीं ऐसा कोई जादू नहीं है कि जादू से आप सीख जाओगे। जैसे जैसे आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी विजन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई दिस, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब इस पार्टिकल का, जिसकी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ये है एक्स टी का, इसका जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। ओके, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dx/dt क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी क्या होगा, ये a हो गया प्लस 2bt
माइनस 3 c t स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमें वेलोसिटी, a प्लस 2 b t माइनस 3 c t स्क्वायर, ये हमें वेलोसिटी आ गया। अब अगर वेलोसिटी को एक और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, कर दो dv / dt, a तो खत्म हो गया, 2b माइनस 6 c t, ये बचा अपने पास 2b माइनस 6 c t, ये एक्सेलरेशन बचा। कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा जा रहा है, इसको जीरो कर दो, तो 2b माइनस 6 c t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 6 c t, ठीक है, तो t क्या हो गया 2b बाय 6 c, यानी b बाय 3 c, ठीक है, तो t इज इक्वल टू b बाय 3 c सेकेंड पे एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो जीरो होगा, ये क्लियर हो गया, t इज इक्वल टू b बाय 3 c सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो। अब हमें निकालना है कि उस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टाइम की वैल्यू थी इसको इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यानी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू b बाई 3 c विल बी इक्वल टू a प्लस 2 b इंटू t की जगह पर क्या डालना है, b बाई 3 c, ठीक है, माइनस 3 c इंटू t स्क्वायर यानी b स्क्वायर बाई 9 c स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना, वॉट एवर आंसर यू विल गेट विल बी योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर, देख लो 2019 में पूछा गया था ये जेई मेंस में, ठीक है, सिंपल। विच ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा ग्राफ इसमें से उसको सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होगी माइनस सी, ठीक है, मान लेते हैं ये लेफ्ट है ना, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, या डीवी बाई डी टी लिख दें या वी डीवी बाई डी एक्स लिख दें, बात बराबर है, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है, तो ये हो गया वी डी वी इज इक्वल टू माइनस सी डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स पर वेलोसिटी मान लेते हैं वी, ठीक है, ये क्या हो गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस के, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर इससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई टू सी प्लस के बाई सी, ये आ गया एक्स का इक्वेशन, एक्स क्या है पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री, और पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री आपको क्या लग रही है इसको देखकर, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या है, पैराबोलिक है, क्या है ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री, द ग्राफ विल बी लाइक दिस विल बी योर ग्राफ वेलोसिटी डिस्टेंस, so the answer will be c will be your... हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिंपल पहले तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया, कोई भी सी डी ई एफ कुछ भी मान लेते, मैंने सी मान लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया सिंपल काइनेमेटिक्स का रूल लगाकर, हमें एक्स की ट्रेजेक्ट्री निकालनी थी ना, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे गए, वेलोसिटी से डिस्टेंस पर चले गए, डिस्टेंस से हमें ट्रेजेक्ट्री मिल गई, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज किया यहाँ पर, ठीक है, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि जेई मेंस का पेपर दे रहे हो तुम, ये 2017 का पेपर था, ओके, ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विद द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू व्हाट, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, दो ट्रैक्स हैं, तीन ट्रैक्स, ठीक है, या दो जो भी बोल दो,
एक ट्रेन यहाँ पर है, दूसरा ट्रेन मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है। ओके, दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी। ठीक, बोला क्या जा रहा है कि दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रहे हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं वी ए, इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या है इसकी वेलोसिटी? 36 किलोमीटर पर। और मान लेते हैं वी बी, क्योंकि जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है? कितनी गिवन है ये? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बंदा ट्रेन ए में बैठा है, इज अ गाई हु इज सिटिंग इन ट्रेन ए, इसको मान लेते हैं पर्सन वन। इसकी जो वेलोसिटी है पर्सन वन की, वो कितनी है? 1.8 किलोमीटर पर आवर। बट ये ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ट्रेन राइट की तरफ जा रही है, पर्सन लेफ्ट की तरफ जा रहा है ट्रेन के अंदर बैठ के। बिकॉज इट इज गिवन दैट पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ दिस। तो हमें बताना क्या है कि अब यहां पर मान लो एक आदमी बैठा होगा इस ट्रेन बी में, तो इसकी वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगी? स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम इस पर्सन ए की वेलोसिटी इस पर्सन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये निकालनी है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया ना? इस पर्सन बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पर्सन ए की वेलोसिटी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें, इस मान लो इस पर्सन को पर्सन टू मान लेते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? भाई पर्सन टू तो चुपचाप खड़ा है ना ट्रेन के अंदर, वो तो हिल डुल नहीं रहा, उसके बारे में कुछ डिटेल दी नहीं गई है, तो मान लेंगे कि वो चुपचाप ट्रेन के साथ अंदर में बैठा हुआ है या खड़ा है। ठीक है, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही उस पर्सन की स्पीड होगी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है बी ट्रेन की? 72 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन टू की भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। ठीक है, अब पर्सन वन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी इस पर्सन की, पर्सन वन जो कि ट्रेन ए में बैठा है, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन वन, इसके बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, वो मान लेते हैं 36, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन वन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव 1.8, तो 36 - 1.8 इज 34.2 किलोमीटर पर आवर। नेट डायरेक्शन किस तरफ होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन क्या हो जाएगा? v2 - v1 हो जाएगा। v1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v2 क्या है? 72। ठीक है, और v1 क्या है? माइनस 34.2 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लोगे यू विल फाइंड द आंसर। दैट्स इट, डन। दैट्स इट, यू आर डन। बस यही है 2020 का जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटीज। अ पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड स्केलेटर इन 60 सेकेंड्स। स्केलेटर मतलब अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ी, जिनको नहीं पता है। ठीक है, वेरी गुड। पेन भी गिर गया, पेन भी अपने आप चलने लग गया गाइस। ठीक है, स्टॉल्ड स्केलेटर। ठीक है, एक पर्सन को रुकी हुई स्केलेटर को पे चढ़ने में 60 सेकंड लगता है। ठीक है, अब मान लो कि सेम स्केलेटर पे वो खड़ा है, बट स्केलेटर भी मूव कर रही है या रन कर रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो उसको 40 सेकंड लग गया उस स्केलेटर पे खड़े खड़े पहुंचने में। तो अब अगर इंसान बोले कि नहीं यार स्केलेटर चल भी है तो चलने दो, मैं भी चल के पहुंचूंगा ऊपर तक, ठीक है, चलते हुए स्केलेटर पे इंसान भी चलेगा पैदल, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा स्केलेटर को क्रॉस करने में, ये पूछा जा रहा है। 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। देख रहे हो ये लोग कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, जो आप अपने शॉपिंग मॉल में अपने आसपास होते हुए देखते हो उस पे, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, क्या आप देखते होगे ना कुछ इम्पेशेंट लोग होंगे जो कि स्केलेटर चालू हो गया है बट वो एक जगह खड़े नहीं रहेंगे, वो चलते हुए स्केलेटर पे भी चल के क्रॉस कर जाएंगे, जैसे पता नहीं उनकी कौन सी ट्रेन छूट रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सवाल है कि उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक केस
ये आ गया कि स्केलेटर जो है, अगर स्टॉल है और उस पर बंदा खड़ा है, और मान लो स्केलेटर की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और इस बंदे की वेलोसिटी वी एम है, तो वी एम इज कितना, लेंथ बाई कितना टाइम लग रहा है, 60, ठीक है, ये हो गई वी एम। दूसरा केस क्या है, कि स्केलेटर भी मूव कर रहा है VE वेलोसिटी से, ठीक है, तो VE का वैल्यू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा लेंथ ऑफ स्केलेटर बाई स्केलेटर से कितना टाइम लग रहा है मैन को पहुंचने में, 40 सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर इंसान भी इस पे खड़े होकर चलने लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इंसान खड़े होकर चलने लग जाए तो मान लो उस स्पीड को हम लोग मान लेते हैं V, तो V क्या हो जाएगा, वी एम प्लस VE। क्यों वी एम प्लस VE, क्योंकि मान लो यहाँ पर जमीन पे कोई इंसान खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि स्केलेटर भी ऊपर चढ़ रही है और ये इंसान खुद भी कुछ वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा है, तो टोटल वेलोसिटी वो कैसे नापेगा, इस इंसान की वेलोसिटी प्लस स्केलेटर की वेलोसिटी, वही कर दिया मैंने, ठीक है। तो वी एम प्लस वी तो अपने को पता है ना, एल बाई 60 प्लस एल बाई 40, और वी कितना होगा, एल बाई टी, इससे Give me a minute, sorry, my bad, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये L L L कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे T की जो भी वैल्यू आएगी निकाल लेना, एलसीएम निकाल के, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इतना टाइम लगेगा इंसान को चलते हुए स्केलेटर को क्लाइंब करने में। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2014 में। गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। एयरप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में दो प्लेन्स, एक 30 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है और एक 60 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ए की स्पीड गिवन है कितनी है, 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ प्लेन ए इज गिवन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, एन ऑब्जर्वर इन प्लेन ए फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। मान लो टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड में अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है प्लेन के, वो देख रहा है कि प्लेन, जिस प्लेन में वो बैठा है उस प्लेन से एक दूसरी प्लेन की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर की दूरी है, कितनी है, 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो देख पा रहा है कि बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, और ये बंदा जो है प्लेन ए में, इसको क्या दिख रहा है कि जो प्लेन बी है ये प्लेन ए के लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलरली इसकी तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर मान लो टी इज इक्वल टू टी नॉट पे प्लेन ए जस्ट बचता है प्लेन बी से टकराने पे, तो टी नॉट क्या होगा, टी नॉट क्या होगा भाई, बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि प्लेन्स ना टकराए, है ना, सही सलामत लोग घर तक पहुंच जाए, तो हमें निकालना तो पड़ेगा कि टी नॉट क्या होगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो, अरे यार ये काला काला कबूतर कैसे आ गया ये, बेटे तेरे को तो भगा दिया था मैंने। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, बी ए तो ज्यादा ही छोटा नहीं बन गया ये प्लेन, बुरा मान जाएगा ये, तो टकरा ही जाएगा फिर, ऐसे इसकी ज्यादा बेइज्जती कर दी मैंने तो, है ना, और ये प्लेन बी, ठीक है। अब अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, अगर मान लो बी को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये एंगल है बेटा 30 डिग्री, ये पूरी एंगल है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगी, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, बी बी कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो गया, बी बी साइन 30 डिग्री, कॉम्पोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया। अब वी ए और वी बी दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, यानी वी ए विल बी इक्वल टू
वीबी कॉस 30 डिग्री, यहाँ से हमें वीबी की वैल्यू मिल जाएगी। वीए कितना गिवन है, 100√3 इज इक्वल टू वीबी। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है। √3 से √3 कट गया, वीबी जो आ गया वो आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो प्लेन बी की वेलोसिटी हमें मिल गई जो कि नहीं गिवन थी, विच इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टी नॉट, जहां पर प्लेन जस्ट बचेगा बी प्लेन ए से टकराने। और हमें ये एक बात पता है कि इसके अंदर जो एक बंदा बैठा है उसको ये प्लेन परपेंडिकुलरली दिख रहा है आता हुआ इस प्लेन के लाइन ऑफ मोशन से। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी प्लेन का क्या है, बी बी साइन 30 डिग्री। तो टी नॉट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 500 मीटर इट इज गिवन, ठीक है, बाई स्पीड बी बी साइन 30 डिग्री। क्यों ले रहे हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि वही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्लेन उस ऑब्जर्वर को परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाई बीबी इज 200 × 1/2, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 सेकेंड्स, यानी टी नॉट इज 5 सेकेंड्स। तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर प्लेन ए बच गया प्लेन बी से टकराने से, दैट इज योर आंसर। ये जेई एडवांस के 2014 को पूछा गया था, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, काइनेमेटिक्स का डायरेक्ट, काइनेमेटिक्स और रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था जी एडवांस का 2014 का। समझ आ रहा है जी एडवांस क्या पेपर है, बस विजुलाइज करवाता है आपको वो चीजें। अगर आप उस प्लेन में बैठ जाओ उस पर्सन के साथ जो कि ऑब्जर्वर है, तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपने इसमें अपना गधे वाला दिमाग लगाना शुरू किया और बैल बुद्धि के जैसे इसको सॉल्व करने लग गए और बिना विजुअलाइज किए हुए बिना समझे हुए क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो इतनी कम सिलेक्शन होती है लोगों की जेई एडवांस आईआईटी में। वाई? बिकॉज आप बैठते ही नहीं हो क्वेश्चन के साथ। हमारी तो मतलब क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग यही कर दी गई है ना, क्वेश्चन देखते ही पेन हाथ चलने लग जाएगा, कलम चलने लग जाएगी। भाई बैठो, सोचो, क्वेश्चन को विजुलाइज करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन, बिकॉज फिजिक्स इज रियल। व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू इज बीइंग पुट इन टू मैथमेटिकल फॉर्म इन फिजिक्स, तो उसको तो विजुलाइज करना ही पड़ेगा अगर अच्छे लेवल का एग्जाम आपको क्रॉस करना है तो। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2008 में पूछा गया था। आई थिंक जेई आईआईटी का क्वेश्चन होगा, बिकॉज AI III होता था 2008 में और उसके क्वेश्चन लिए नहीं है मैंने। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपियर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन, व्हाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपियर टू बी स्टेशनरी। देखो, एक बंदा है जो कि यहाँ ट्रेन में बैठा है अंदर, ठीक है, और ये ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है। तो इसको ट्रेन से बाहर जो उसके नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं इससे ऑपोजिट जाता हुआ, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेशनरी दिख रहे हैं। ये स्टेटमेंट वन है, ठीक है। अभी हम गलत सही क्या है इस पे आएंगे ही नहीं, पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट टू क्या है। इफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट वेलोसिटी v1 एंड v2, मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रेन के बाहर वो v2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, विथ रेफरेंस टू अ लैबोरेटरी फ्रेम। लैबोरेटरी फ्रेम यानी ग्राउंड फ्रेम होता है, लैबोरेटरी फ्रेम यानी ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर यानी इज v2 - v1। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में वो v2 - v1 होगी, सही है। सोचो एक बार, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सही है क्या स्टेटमेंट वन? स्टेटमेंट वन सही है क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट वन करेक्ट है, इज बिकॉज आपको पता है कि जो थीटा होती है वो क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस। जो दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए थीटा की वैल्यू कम होगी क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा होगा। दूर के ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा होगा तो थीटा की वैल्यू कम होगी, नजदीक के ऑब्जेक्ट का रेडियस कम होगा तो थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। इस वजह से
हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखते हैं, और नजदीक के ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जर्वर को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, ये रीजन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट वन को। स्टेटमेंट टू इज डिफरेंट, स्टेटमेंट टू रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बता रहा है, वेलोसिटी निकालना बता रहा है, बट वो रीजन नहीं बता रहा कि क्यों स्टेटमेंट वन में उस ऑब्जर्वर को दूर के ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दिख रहे हैं और नजदीक के ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन होता है ये, थीटा इज इक्वल टू आर बाई रेडियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर इट रीबाउंड्स एंड रीचेस हाइट एच बाई टू। ठीक है, एक वुडन फ्लोर है, यहाँ पर एक टेनिस बॉल है अभी हाइट एच पे। ठीक है, इसको हमने रिलीज कर दिया, तो ये ग्राउंड रिलीज होकर नीचे गया, नीचे गया ग्राउंड से टकरा कर फिर ऊपर आया यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितना है, एच बाई टू। तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट जो होगा बॉल का इस मोशन पे, इस मोशन के दौरान क्या होगा, बी एच कर्व हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि शुरू में वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की तरफ बॉल जा रहा है और हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सिस है, सो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव इन दी बिगिनिंग। ठीक है, दूसरी चीज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अगर फॉलो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये जीरो हो गया तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए एस के बराबर हो जाएगा, और ये रिलेशन क्लियरली बता रहा है कि इट इज नॉट लीनियर। तो जो लीनियर वाला कर्व है वो तो पहले ही खत्म हो गया, ये वाला कर्व गया, कर्व नंबर ए इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, लीनियर कर्व हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यहाँ से हम देख पा रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस से, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हाइट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हाइट जो कवर हो रहा है वो भी घटने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझनी है कि शुरू में जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो और वन से कम रहेगी, यानी जीरो से बढ़ी और वन से कम रही तब तो हाइट बहुत धीमी धीमी बढ़ेगी, बट जैसे ही वेलोसिटी वन से बढ़ने लग गई तो हाइट बहुत स्पॉन्टेनियसली कवर करने लग जाएगा बॉल। तो हमें ऐसा कर्व ढूंढना है जिसकी शुरू में हाइट बहुत कम कवर हो रही हो बट बाद में हाइट बहुत तेजी से कवर हो रही हो, तो डी वाला कर्व खत्म हो गया, अब बचा ये और ये। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ा हाइट बढ़ा। ठीक है, यहां पर आप देखो इस वाले कर्व शुरू में तो बहुत तेजी से हाइट घटा, उसके बाद धीरे 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 घटने लगा वेलोसिटी के साथ साथ हाइट, तो ये कर्व नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सी कर्व। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन एज आई टोल्ड यू 2020 जेई में इनसे पूछा हुआ है क्वेश्चन है, आपको क्या करना था इसमें, बस विजुअलाइज करना था कि अगर आप बॉल ऊपर से वुडन फ्लोर पे गिराते तो क्या होता। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आप लोग को इंटरेक्टिव लगा होगा, आई होप आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी इस वीडियो को देख के। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।